गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज बड़ी पैरा नवरात्रा और बड़ी खुशी का दिन है। वो कैसे भाई? आज अपने घर में एक और नया ट्रैक्टर आने वाला है। मतलब हम लेने जा रहे हैं एक और नया ट्रैक्टर। वो कौन सा होगा, कैसा होगा वो आप, और ये ट्रैक्टर स्पेशल मॉडिफिकेशन के लिए होगा। इसको हम टॉप लेवल का मॉडिफाइड करवाएंगे। मतलब जैसे अपना हिंदुस्तान है ना, ऐसा ही मतलब सिस्टम हिला देंगे इस बार। तो अभी मैं अपने चाचा ताऊ और भाई के साथ जाऊंगा। चलते हैं, एंजॉय करना व्लॉग को। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगे। बढ़िया लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचकर। तो गाइज आ तो गए हैं जहाँ पहुंचना था। इनके घर से हम ट्रैक्टर लेंगे। दो तीन ट्रैक्टर खड़े हैं भाई, देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है। भाई कौन सा ट्रैक्टर है? यो भाई बेलारूस है। बेलारूस? हाँ। पर इसकी बॉडी बॉडी कहाँ गए भाई? उतार के रख रखे, वो रख रखे। पर जुड़ जाएगी? वो सब बिल्कुल रेडी है। चालू कंडीशन में? हाँ चालू कंडीशन में। भाई अलग टाइप के ट्रैक्टर देखने के मिल रहे हैं यहाँ तो। चाचा ले चलिए अब बेलारूस है भी। पावर स्टीयरिंग में वो भी जी पावर स्टीयरिंग है। अच्छा जी। हां पावर स्टीयरिंग डबल क्लच स्कीम में सारा है। इंजन तो इसका बदले हो रहा है ना? ना इंजन है इसका, मतलब यूज पे चेंज। तुम कभी नहीं सोच रहे हो कि ट्रैक्टर ऐसे ही लग जाएंगे? ऐसे ना लग जाएंगे भाई, बॉडी लगेगी यहां पे। ये फोर्ड है हैं, ये 3074 मॉडल 1974। ये मैं तो बंद इसका तो गियर का काम करना था। ये भी दिक्कत आ रही। दिक्कत क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत काम कराया होगा। हमने लिया जिस बंदे पे, हमने जिस पे लिया उन्होंने कराया होगा। रिंग पाना अंदर छोड़ दिया, रिंग पाना इतना बिच रहा है, मसारा रख दिया ये। और गिरा रही है, कोई दसा नहीं टूट रहा, कुछ नहीं टूट रहा। ले ले फिर। हॉलैंड है वंडरफुल। अपने ये है? तो जैसा कि आप सबको बता दिया, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेना है स्पेशल मॉडिफाई के लिए। अब यार ट्रैक्टर ऐसा बना देंगे बिल्कुल। यार ये बेलारूस भी तगड़े लग रहे हैं। क्या जी अब बताओ इस ट्रैक्टर की क्या कहानी है? इसकी कहानी बताइए। मेरा दादा क्या गया था, जब मेरा दादा, आपके दादा? हाँ। अच्छा जी। फिर मेरे पिताजी हर ले आए थे इसमें। हाँ। जब उस टाइम पर मैं 10-12 साल का था। हाँ। जब आया था ये। और भाई देखो अंकल जी ने ना अब तक ट्रैक्टर संभाल के रख रखा है। तो कौन सा मॉडल है उस टाइम पे ही है ना? हाँ। तो एग्जीबिशन लगता था। हाँ हाँ हाँ। ये इसमें नवंबर में लगने लगता है व्यापार मेला। हाँ व्यापार मेला, उसमें आया, उसमें ये आया था। उसके कारण इसमें सीट भी डिलेक्स सीट है ना, ये सीट किसी में नहीं आई, मिल गई आपने। अच्छा। एक बार इस पे बैठ कर देखना जंप लेके। हाँ हाँ। चालू कंडीशन में वैसे? हाँ, बिल्कुल चालू। अब बैटरी रखी और बैटरी बैटरी रखते ही चालू करो और चालू है अभी। ये काम करके आया था मैं, कई रोज हो गए ये लग रही। अच्छा जी। थोड़ा बहुत है ना, कई दिन हो जाए ना, जब मेरे को महीना दो महीने हो जाए इसकी आवाज सुनने। हाँ। ना चलाने ने जी करे। हाँ। मेरे तो ये मान लो कि छोटा इसी की सीट पर बैठा था। हाँ। इससे सीट पर और आज बूढ़ा हो लिया मान ली। 62 साल का हो लिया मैं। अच्छा जी। ना दादा बढ़िया है, बढ़िया गति। मजा आ गए आपका ट्रैक्टर कलेक्शन देख के। आज यहीं थे हम अपना एक ट्रैक्टर लेके जाएंगे, मजा आ जाएंगे बिल्कुल। दोनों लग रहे हैं नमकीन चोर में। कोई शर्म ना, कोई कुछ ना।
सारी नमकीन खा ली। बस दोस्तों जिन्होंने ना देखी ऐसे ही 2008 में आरसी ऐसी आ गई, वो आजकल तो छोटी चल रही है। अरे देखो भाई ये आरसी ट्रैक्टर की होलैंड की पूरी कहानी लिख रही है। अब तो अच्छे से बढ़िया भाई है बेलर उसकी भी हाँ। अच्छा तो दोस्तों ले लिया है न्यू होलैंड 3630, फाइनल कर दिया डन। अब इसको लेके चल रहे हैं सीधा सीधा मॉडिफाइड करवाना है। अब वो डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे हुआ वो भी हम डिसाइड करके देखेंगे क्या है। अभी बस इसको यहाँ से लेके चलते हैं। बड़ा ही प्यारा साफ कंडीशन में ट्रैक्टर है, बिल्कुल नए जैसी कंडीशन है ट्रैक्टर की ना। नट काट दिया भाई वो भी बन तो भाई डन। तो भाई अब तिल डलवा लेते हैं पहली बार ट्रैक्टर में, बहुत जरूरी काम है अपने हाथों से। फिर जा रहे हैं अब हम स्पेशल चीज लगवाने ट्रैक्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों जोर शोर तक काम चल रहा है ट्रैक्टर पर खींच के, काम भी चल रहा पर भी बोल नहीं पा रहा। ये अपने जज्जर भाई जज्जर वाले भाई आ गए अमरदीप पाजी, ये काम खींच के करवा रहे ना जी भाई। इनकी बदौलत ही हम यहाँ मतलब शांति से बैठ पा रहे, वरना हम भी उसकी गैर लगते। हाँ अरे नाइस के कहने गाने बंद कर So, दोस्तों आज जो भी मेरा एक काम पॉसिबल हो पाया अपने ताऊ की वजह तो पॉसिबल हो पाया। मैंने सारी जगह छान मार ली कि भाई होएगा ना होएगा, सब मना कर दे कि भाई इस टाइम तक नहीं हो पाएगा काम। ताऊ ने अब 11:30 बज रहे रात के, अकेले बंदे ने पूरी मेहनत करके मतलब हमारा काम इतना अकेले बंदे ने, मैं पहले भी ट्रैक्टर मॉडिफाई करा भाई, अकेले बंदे में हिम्मत चाहिए काम करने के लिए, कभी नट कभी कुछ। ताऊ ने सारी हिम्मत करके अपना काम करा और काम भी कहते इतने परफेक्ट तरीके से करा जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना। तो एक बार कैमरामैन यहाँ पर फोकस करो, ये भाई हमारे ताऊ की दुकान है, सीधा करो ऐसी कैमरा। बालाजी म्यूजिक सिस्टम, ताऊ अपना क्या क्या लगवा दो ट्रैक्टर में, कम्प्लीट काम है क्या सिस्टम थोड़ा सा बताओ। हमारा मॉडिफाई छतरी का है, म्यूजिक सिस्टम का है और अपना सेल्फ अल्टरनेटर वायरिंग वोरिंग लाइट वगैरह एलईडी वगैरह सारी चीजें मॉडिफाई, साइलेंसर सब चीज मतलब जो ट्रैक्टर की रहे। मेरे तो बहुत सारे भाई पूछते रहे कि भाई तुमने ट्रैक्टर कहाँ मॉडिफाई करा तो अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ यहाँ पे मॉडिफाइड करा भाई। आओ झज्जर है प्रॉपर झज्जर में मेन रोड पे ताऊ की दुकान है, कॉन्टेक्ट नंबर सारी डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा। आओ और ताऊ पे मॉडिफाइड करवाओ और सवाल लो जिंदगी में कुछ ना करो। क्यों रूपेश ठीक है भाई, ताऊ पहचान लिया हम कल भी आए थार वाले। तो गाइज अब पहुंच चुके हैं हम श्री राम ढाबे पे ईटिंग सम फूड। तो हमें मर्सिडीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि हमें ट्रैक्टर अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों एक दो हट जा गए थे, पहुंच गए भाई फाइनली घर पर और
रात के बज रहे हैं, ना निकलेंगे। अरे निकलेगी ना निकलेगो। चल भाई चल, पहुंच गए अपने घर पर, मिलते हैं भाई कल। अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है बिल्कुल। टाटा बाय बाय गुड नाइट। कैसा लगा अपना ट्रैक्टर? हमें तो आगे मजा, आप बताओ कैसा लगा। बाय बाय।